अल्लाहुर्रहमानुर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों दुख तकलीफों को ख़त्म कर दें। अल्लाह पाक आपके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ कर दें। आज जो मैं आपके साथ अमल पेश करने जा रही हूँ, बहुत ही नायाब और बहुत ही आला किस्म का अमल है। ये उन लोगों के लिए अमल है कि जैसे ही आप अगर किसी बेटी को, ये वालदैन के लिए मैं बता रही हूँ कि जैसे आप अपने बेटे की शादी करते हो, ठीक है, और अगर बेटी है तो जैसे ही आप अपनी बेटी की शादी करते हो तो ये दुल्हन और दूल्हा दोनों में से एक कोई करे, ठीक है। तो तरीका क्या है कि आप जब बेटे के लिए दुल्हन लेके आए तो उसके पिशानी पर यानी माथे पर हाथ रखकर या माथे पर से पकड़ कर हाथ से, तो आपने जो दुआ है बस एक मरतबा ये पढ़ लेनी है। ये लाजमन दुआ पढ़ें तो इंशाल्लाह कभी भी एक तो फरमा बरदार होगी, कभी आप लोगों का बुरा नहीं चाहेंगी, ठीक है, और कभी आप लोगों से मतलब के गिला नहीं करेगी, खुशबाश उस घर में उसकी खैर और बरकत होगी, उसके आने से खैर और बरकत होगी। एक छोटा सा अमल है ये लाजमन, जो वालदन है वो लाजमन किया करें कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका से लेकर अलैहि तक आपने ये दुआ पढ़नी है। छोटी सी दुआ है, बेशक कागज पर लिखकर जब दुल्हन अंदर दाखिल हो तो पढ़कर जरूर उसके ऊपर फूंक मार दे। तर्जमा ये है कि ऐ अल्लाह, माजरत के साथ, ऐ अल्लाह मैं तुझसे इसकी भलाई और इसकी आदत, इसके इखलाक, इसकी भलाई का सवाल करता हूँ या करती हूँ, और इसके शर और इसके इखलाक व आदत के शर से तेरी पनाह मांगती हूँ। तो जैसे ही आप ये दुआ पढ़ते हो तो इंशाल्लाह जरूर अल्लाह पाक इस बात को उसके मतलब के उस दुल्हन के लिए या उस बेटे के लिए, अच्छा बेटे का मैं बाद में तरीका बताऊंगी, दुल्हन का ये है कि उसके जब माए प्यार देती है उसके सर पे हाथ रखकर ये दुआ पढ़ेंगी तो इंशाल्लाह जरूर उनके लिए खैर बरकत होगी। इंशाल्लाह जरूर उसके शर, खुदा ना खासा अगर उसके साथ कोई मुसीबत या परेशानी आनी होगी, वो भी खत्म हो जाएगी। ये लाजमन किया करें छोटे छोटे इस्लामिक तरीकों से। चलो हमारा इस्लाम बुलंद है, बाला है, हम अगर अपने यकीन माने कि इस्लाम के तरीकों को इख्तियार करके चले तो हमारी कौम दुनिया की सबसे बुलंद ताकतवर कौम हो। तो ये जो मैंने आपको जो दुआ बताई है ये अबू जो है दाऊद की किताब में भी है, ये दुआ लिखी गई है, ठीक है। ये दुआ, अच्छा ये अब दुल्हन के लिए आ जाता है कि जब अपने मतलब कि शोहर के पास होती है तो अपने शोहर के सर पर हाथ रखकर, बीवी के लिए है कि अपने शोहर के सर पर हाथ रखकर, माथे पर हाथ रखकर ये दुआ पढ़ ले, और ये दुआ तीन मरतबा पढ़े तो इंशाल्लाह कभी भी लड़ाई झगड़ा नाचाकी कोई ऐसा मसला नहीं होता। और जो दुल्हन के लिए पड़ेगा उसके लिए भी नायाब है, और जो शोहर के लिए पड़ेगा उसके लिए भी नायाब है। लाजमन कीजिएगा इंशाल्लाह, जितनी भी परेशानी दुख तकलीफें हैं वो जो उसके जरिए से आनी थी वो चीज खत्म हो जाएगी। ये लाजमन, ये छोटा सा एक तरीका है, ये हम लोग नहीं करते, ये लाजमन करना चाहिए तो उसके शर से आप लोग बच जाओगे और उसकी अच्छाई जो है उभर के सामने आ जाएगी। भलाई की दुआ है, उसकी आदत की दुआ है, या आदतों की दुआ है, इखलाक की दुआ है कि इसका अल्लाह पाक इखलाक, और जब अल्लाह पाक से दुआ करते हो तो अल्लाह पाक कबूल करते हैं। अल्लाह पाक कहते हैं हाँ मेरे बंदे ने मेरे लिए दुआ की, कौन, अल्लाह पाक कहते हैं कौन है मुझसे जो मांगे और मैं उसको अता करूं। अल्लाह पाक वो बंदे के लिए बेकरार होते हैं कि कोई जो है वो मुझसे मांगे और मैं उसको अता करूं। आपको सबसे खूबसूरत एक वक्त अता का मैं बताती हूँ, तहज्जुद का वक्त है कि आपने अगर कोई दुआ मांगनी हो या कोई दुआ अल्लाह से मंजूर करवानी हो तहज्जुद के वक्त सिर्फ तीन दिन वो दुआ मांगे तो मैं कहती हूँ तीसरा दिन भी नहीं आएगा आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। ये एक बहुत नायाब तरीका है अल्लाह पाक को मनाने का, अल्लाह पाक से दुआ करने का। तो इंशाल्लाह आप ये तरीका इख्तियार करें, दुआ करें, अल्लाह को मनाएं, अल्लाह के तरीकों को इख्तियार करें, जो शरीयत ने, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीके इख्तियार हमें बताए हैं वो तरीका करें। ये तरीका अपनी जो है शोहर के लिए इख्तियार करो, जो बहनें हैं, वालदैन हैं, अपनी जो नई बेटियां लाते हैं या अपने बेटों की जो बीवियां लाते हैं उनके लिए इख्तियार करें तो इंशाल्लाह कभी भी कोई ऐसा मसला नहीं होगा, बल्कि उसकी बरकत उस घर में दाखिल हो जाएगी, ठीक है। बाहर से अगर कोई आता है तो
हमें नहीं पता होता उसके बारे में इतना, लेकिन जब ये दुआ पढ़ लोगे तो उसकी बरकत उस घर में आना शुरू हो जाएगी। हर कोई अपना रिस्क और हर कोई अपनी बरकत अपने साथ लेकर चलता है। ठीक है, इसी अमल के साथ इजाजत चाहती हूँ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑन करें ताकि तमाम वीडियो बासानी आपको पहुंच सके। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।